नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाज में। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप से संबंधित फ्यूचर कंज्यूमर की। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर। तो क्या कुछ खबर है, सब पे चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पर 29 अगस्त का ही अपडेट है आज का, और BSC NSE दोनों को इन्फॉर्म किया है। तो लास्ट में हम लोग चार्ट भी देखेंगे कि क्या इस न्यूज़ से जो इन्होंने फंड जुटाया है, इससे ये ऊपर जा सकता है, क्या संभावना है, सब पे चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ। और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे। यहाँ पर अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह डालता रहता हूँ, brightcom ग्रुप पर मैंने अभी डाला है वीडियोज़ और जो भी कुछ है, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ जो आपसे रिलेटेड होती है। बस अननेसेसरी का स्टेप यहाँ पर नहीं डालता हूँ मैं कुछ। तो ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो फ्यूचर कंज्यूमर है, इसकी होली ओन सब्सिडरी थी जो यहाँ पर नीलगिरी डेयरी प्राइवेट फर्म प्राइवेट लिमिटेड जो NDFPL है, उसको यहाँ पर बेचा है इन्होंने। और किसने ख़रीदा, यहाँ पर AVA चोलाई हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, यहाँ पर फ़िलहाल इन्होंने इसको ख़रीदा है। तो यहाँ पर ये फ़िलहाल एक बुरी खबर है कि अपनी सब्सिडरी को बेचकर इनको फ़ंड जुटाना पड़ रहा है फ़िलहाल। तो आगे हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखेंगे क्या क्या है, उसके बाद हम आगे बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो सब्सिडरी थी उसका टर्नओवर था लगभग यहाँ पर 3,965 लाख था, यानी कि 39,65,00,000 था। और यहाँ पर जो BTA हुआ है, यानी कि बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो हुआ है, वो 29 अगस्त यानी कि आज ही देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ पर तो फ़िलहाल ऐसा कुछ डिटेल नहीं है। और आगे देखते हैं कि क्या आपके मतलब की चीज़ें जिसको बताना चाहिए मुझे। और यहाँ पर जो अमाउंट है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ़िलहाल देखना। ₹67 करोड़ इज़ द परचेज कंसिडरेशन अग्रीड टू बी पेड बाई द परचेजर टू सेलर। तो यहाँ पर लगभग 67 करोड़ रुपये में इनकी जो ये सब्सिडरी है, यहाँ पर वो फ़िलहाल अब दूसरे की हो जाएगी। बात करें हम लोग इसके, अभी तो फिलहाल ESM की स्टेज 1 में है, आपको पता है ESM स्टेज 2 में था, जहाँ पर पीरियोडिक कॉल ऑक्शन चल रहा था, वहाँ से 1 में निकल कर आया है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसमें आपको मूवमेंट देखने को मिला है, काफ़ी टाइम बाद यहाँ लोअर सर्किट के बाद यहाँ पर आपको मूवमेंट देखने को मिला है। और ये BSE पे है, NSE पे लगभग 7-8% भागा है ये। तो यहाँ पर ये फ़िलहाल एक थोड़ी सी राहत की सांस हो सकती है जो जिनके पास जिन्होंने लिया है। बाकी यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए, 2 करोड़ का इसने वॉल्यूम जनरेट किया है फ़िलहाल तो। और उससे पिछले जो ट्रेडिंग सेशन था, वहाँ पर 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट किया था। 1 वीक का एवरेज जो है 56 लाख है, वन मंथ का एवरेज जो है वो 17 लाख है। बात करते हैं इसके चार्ट की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लगातार आपको लोअर सर्किट देखने को मिले थे, और यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ आज आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा आपको मूवमेंट दिखे, आप साइड 80 और 90 पैसे तक जाने की संभावना इसकी दिखती है, हो सकता है यहाँ तक आए। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए, यहाँ पर आता भी है तो भी आप बिल्कुल सजग रहेंगे। जो नए लोग हैं, मैं उनको हमेशा सलाह देता हूँ कि फ्यूचर ग्रुप के किसी भी शेयर में आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, बचना चाहिए इससे, चाहे कितना भी नीचे आ जाए फिलहाल, ठीक है। आपको हो सकता है कि लगे कि हाँ यार अब ये बहुत नीचे आ गया है, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो आपको अगर पैसा लगाना ही है तो उतना ही पैसा लगाइएगा गाइस, जितना खोने डूबने के लिए तैयार रहें। और अपने हर वीडियो में बताता हूँ भैया, जिन्होंने ऊपर दे रखा है, एवरेज करने की गलती कतई मत करिएगा, नहीं तो आपका पैसा जो है और फंस जाएगा। इससे अच्छा होगा कि आप और अच्छी क्वालिटी स्टॉक में लगाइए पैसा, और आराम से चैन की नींद सोइए। तो चलिएगा, आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में जनरली पूछिएगा। और फ्यूचर ग्रुप से संबंधित मैं लगातार अपडेट लेके आ रहा हूँ, कोई भी हो चाहे वो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे फिलहाल में। और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कोशिश करता हूँ मैं आपको दूँ, जो भी प्रिसाइज होता है और जेन्युइन होता है ना। तो ठीक है गाइस, और आप एक चीज़ और भी जानते हैं कि हम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है ना, वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं आपको। और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। चलिए, धन्यवाद।